तो पचम्बा थाना के नरेंद्रपुर में एक पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मृतक के पति और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो बताया गया कि नरेंद्रपुर में गुरुवार रात पति मोहम्मद हसनैन ने अपनी पत्नी यास्मीन खातून को मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी। इसकी जानकारी विवाहिता की घर वालों को मिली, जिसके बाद इसकी जानकारी पचम्बा थाना पुलिस को दी गई और बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद आरोपी पति और उनके पिता कलीम अंसारी शहर छोड़कर भागने की फिराक से मधुपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। इधर पचम्बा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव भी मामले की पड़ताल करते हुए अपने दल बल के साथ रात में ही मधुपुर पहुंचे और रेल पुलिस के सहयोग से हत्यारे पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। आसमीन खातून का नाम उसका खाला बोल रहे हैं। हम बात किए उससे रात में 8 बजे कि वो हमको मारपीट कर रहा है, दूसरे लड़की के साथ उसका चक्कर है और बहुत बार उसका झगड़ा भी किया मारपीट। और रात में हम 8:30 बजे उससे बात किए, हम वो बोल रही थी कि हमको खाना नहीं खाए हैं, उससे हम बात की वो खाना खा लो, उसके बाद वो हम नहीं जान पाए कि उसे मार देगा, पता नहीं है कि कैसे करके वो मारेगा। इनका शादी कब हुआ था? शादी 2017 में। इनका कितना बच्चा? 3 लड़की, 1 छोटा बच्चा है। हम लोग चेकअप और इसके साथ तो पहले से भी कुछ दहेज वहेज का लेके, जैसे पलंग टूट गया या फ्रिज उड़ गया थे तो उसके वजह से लेके मारपीट होता था। और उसके बाद में ले रहे थे कोई लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में हम बात किए थे, मेरी बहन भी उसको बोली थी, जिसके वजह से बहन को मार के हाथ तोड़ दिया था। उस विषय में हम बात भी किए थे कि आएंगे घर तब बात करेंगे, फिर मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था, मोबाइल स्विच ऑफ रखता था। 2-4 बार इसका इसी तरह होता था मारपीट, जब भी देखो कुछ छोटा छोटा सा बात लेकर मारपीट करता था बहुत ज़्यादा। इसके विषय में 3-4 बार तो फैसला हो चुका था मौखिक से और एक बार लिखित से भी फैसला हुआ था। आसमीन खातून का